तो फ्रेंड्स, आपको हमारे यूट्यूब से मेहदी व्लॉग्स में वेलकम है और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो भाई मैंने शलवार कमीज पहन लिए और अभी मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, तो इसलिए मैं नमाज़ पढ़ने चले जाता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ आके। कुछ देर स्टार्ट करता हूँ, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। वन आवर लेटर, मैं जो है अभी नमाज पढ़ के आ गया हूँ और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और इसको देखो, ये अभी तक सो रही है, ये देख लो। हाँ तो बेटा, नमाज पढ़ के भी आ गया और इसको देखो अभी तक सो रही है। मैं जो है अभी किचन में आया हूँ और इधर जो है मैंने अभी अंडे ला के दिए हैं और ये चाय बन रही है और ये पराठा नाश्ता और कशा जो है वो पी रही है और ये तैयार। तो भाई जब तक ये तैयार ना हो, ये कभी हो सकता है ऐसा तैयार नहीं हो। और यार अब तो ईद है यार, तैयार तो होना लाजमी बनता है। तो भाई अभी जल्दी से नाश्ता बनता है और फिर जल्दी से नाश्ता करते हैं। बहुत भूख लग रही है यार, पेट गुड़गुड़ी दस्तरखान लगाओ ताकि अपन नाश्ता करें। दस्तरखान लग गया, अब हम जल्दी से नाश्ता करते हैं और फिर मिलते आपसे नाश्ते के बाद। 3 hours later, कश्यप क्या कर रही हो? अभी जो है हम ना सोकर उठ चुके हैं, नींद पूरी कर ली है, अब हम हो रहे रेडी। तो भाई मैं जो है नमाज पढ़ने के बाद नाश्ता वाश्ता करके मैं सो गया। अब मैं अभी उठाऊँ तो मिलना तैयार व्यार हो जाऊँ, शाम का टाइम हो गया। ये देखो बड़ी प्यारी हवा चली है, ये देख लो। और यहाँ पर कश्यप भी पूरी रेडी हो गई है। बता दो हम क्यों रेडी हो रहे हैं? क्योंकि ईद है। और दूसरी बात आप बताओ, हमारी दावत है हवाई फुफू की, हमारे घर पे दावत है। हाँ, तो हमने कहा है कि आप आइएगा, अब हम रेडी हो रहे हैं। वो कब आएंगे? आ जाएंगे यार, वो अपने हम रेडी होने में टाइम लगता है यार। वो गई पूरी तैयार और अभी कश्यप कमेंट में बताएगा भी आपकी चूड़ी है कैसी लगी। और कश्यप सिर्फ सैंडल, तो मैं इसलिए नहीं पहनी क्योंकि एक में वॉच है एक में चूड़ी है। और कश्यप अभी सिर्फ सैंडल पहनेगी और पूरी रेडी हो जाएगी, फिर हम जाएंगे ऊपर और फिर खींचेंगे अपनी पिक्चर। A few moments later, किचन में आ गया और इधर जो है हमारा यहाँ पर बन रहा है शीर कोरमा और इधर जो है यहाँ पर चावल भिगो हुए हैं और इधर जो है ये है इसका मसाला, मतलब इसकी जो मसाला होता है वो है। और इधर ये थोड़ी देर में बन जाएगा और आज हमारे घर पे साफ सफाई हमने बता दिया दावत है, तो किचन में आज ये हो रहा है सब कुछ। आज तो सारे किचन में लगे होंगे। वापिस से किचन में आ गया और इधर जो है यहाँ पर फिर से वही कंडीशन है, इधर चावल दम पे लगे हैं और इधर जो है हमारी कढ़ाई रेडी गरम हो रही है और इधर ये कबाब और ये हरा धनिया है। तो भाई आज बहुत ही मज़ा आने वाला है यार दावत। अभी जो है मेहमान आ गए और अभी मम्मा तल लिए हैं ये कबाब और बाकी चीज़ें सारी रेडी हैं। तो Two hours later. सब लोगों को जो है सब चले गए और माशाल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और कश्यप इधर ढूंढ रही है, पता नहीं क्या ढूंढ रही है। बेटा वो फ्रिज में ये सब कुछ बंद करो और तुम केक निकालो और फिर उधर कमरे में आके देखते हैं कैसा केक लाया वो। निकाल लिया कश्यप ने केक, चलो चलो अंदर खोल के चेक करेंगे कैसा है। नहीं चलो भाई अब खोलो और दिखाओ कौन सा केक है। अबे ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो भाई ये देखो, अंदाजा लगाओ। मैंने कहा था कि ना क्या कहते हैं, मुझे चॉकलेट की खुशबू आ रही है और ये चॉकलेट ही निकला। हाँ और ये वाला अच्छा लगता है। ये रैपर हटा देते हैं, हटाओ। ये बटर पेपर लगाया है, इस पे चॉकलेट है, तो ये खा लेते हैं। यार तुम तो खाना भी शुरू। A few moments later. तो फ्रेंड्स हमें आज बहुत मज़ा आया है, ये फर्स्ट डे। आज पहला दिन हमारा ईद का बहुत अच्छा गया और जो है सेकंड डे होगा, सेकंड डे बहुत अच्छा होगा, बहुत ही स्पेशल रहने वाला है इंशाल्लाह। बहुत तो भाई जब ईद खत्म हो जाएगी ना, जब आपको टोटल हम ईद दिखाएंगे कितनी जो आएगी। कैसा कुछ यार ईद की पड़ी है यार, तुम तो लास्ट। भाई हमारा पहला दिन बहुत ही अच्छा गया और उम्मीद होगी हमें दूसरे दिन भी हमारा अच्छा जाएगा, तीसरा दिन भी बहुत ही अच्छा जाएगा। और पहला दिन तो बहुत ही अच्छा गया यार, है ना, सबके साथ। मुझे तो पेयरिंग में करना पड़ा। तो कभी एंड करता हूँ, उम्मीद होगी आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया, उसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब
ज़्यादा से ज़्यादा करेगा क्योंकि अब ईद चल रहा है, ईद का दिन है यार। सब्सक्राइब अब भी नहीं करोगे तो कब करोगे? तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक ये बाय।